हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल फार्मारक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे नॉन स्टेर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में कि जिनको हम नसेड्स भी कहते हैं तो उनके बेसिक यूज़ के बारे में जानेंगे अबाउट द नॉन स्टेडर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग उनकी डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी करेंगे और जानेंगे उनके ऑफ एक्शन कि किस तरह से ये मेडिसिन अपनी फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट दिखाती है किस तरह से वो अपना वर्क करती है उनका डिटेल फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड उनके साइड इफ़ेक्ट्स एंड कॉन्ट्राइडिकेशन के बारे में जानेंगे ये लेक्चर के अंदर तो नर्सेड्स के अंदर आपने देखा होगा कि टाइटल स्लाइड के अकॉर्डिंग टू तो जो आप ये मेडिसिन देख रहे हैं अलग अलग मार्केटेड फार्मुलेसन जैसे कि ये एस्प्रीन के जो टैबलेट्स है एस पर दाइपी सेवेंटी फाइव एम जी ऑक्सीप के कैप्सुल्स आप देख सकते हैं डाइक्लोफेनिक सोडियम का इंजेक्शन यहाँ पे देख रहे हैं आईबू के जो टैबलेट्स है एज वेल एस डाइक्लोफेनिक सोडियम पैर है निम्सुलाइड है ये सभी मेडिकेशंस जो है वो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के कैटेगरी के अंदर इंक्लूड होती है तो ये क्लास के जो मेडिकेशन से उनकी और डिटेल में हम स्टडी करेंगे ये वीडियो लेक्चर में सो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स थैंक यू फॉर बीइंग वन लेख फैमिली ऑफ फार्मरॉक्स अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स के फार्मारॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर एक्सेस करने को मिल जाएंगे तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो डाउनलोड करिए एप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले समझिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में तो इट इज़ अ क्लास ऑफ मेडिकेशन और आर द मेंबर ऑफ ड्रग्स दैट रिड्यूज द पेन डिक्रीज द फीवर प्रिवेंट द ब्लड क्लोट एंड इन हायर डोजेस डिक्रीज द इन्फ्लामेशन तो मल्टीपल यूजेज़ हम कह सकते हैं ये क्लास के मेडिकेशंस के कि ये क्लास के मेडिकेशन पेन रिलीवर्स के तौर पे भी काम करती है फीवर भी रिड्यूस करती है ब्लड क्लोटिंग को प्रीवेंट करने में हेल्प करती है एंड हायर डोजेज़ के अंदर वो इन्फ्लामेशन को भी कम करती है और उनके जो हम कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखे तो साइड इफ़ेक्ट्स डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक ड्रग बट दे इंक्लूड द रिस्क ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अल्सर्स की जिसको हम स्टमक अल्सर कहते हैं ब्लीडिंग हो सकती है एंड हार्ट अटैक एंड किडनी डिजीज कि अगर उनका मिस यूज़ किया जाए हायर डोजेस के अंदर यूज़ किया जाए ओवर डोज होता है तो ऐसे कंडीशन में उनके साइड इफ़ेक्ट्स होती है और उनकी साइड इफ़ेक्ट के तौर पर मेनली गैस्ट्रो इंटेस्टनल अल्सर्स जो मेन होते हैं तो नॉन स्टेटर्ड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के अंदर हम देखें तो दीज आर द मेडिसिन रिड्यूस द इन्फ्लामेशन रिड्यूस द पेन एंड द फीवर बट ये कैसे काम करती है तो बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंड एंड रिलेटेड कंपाउंड प्रोस्टाग्लैंड कि जो ऐसे केमिकल्स होते हैं ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जो इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लामेशन करने के लिए पेन मोडी मॉड्यूलेटर्स कहे जाते हैं उनको तो नर्स क्लास के जो मेडिकेशन से वो इनहिबिट करती है साइक्लो ऑक्सीजिनेस वन और टू और बॉथ एंजाइम्स ये दोनों एंजाइम को ये मेडिकेसन्स जो है वो इनहिबिट करती है एंड उनके तीन हम मेजर एक्शंस देखें तो फर्स्ट एक्शन है एनालिसिक इफ़ेक्ट कि नर्सड्स क्लास के जो मेडिकेशन है वो हमें एनालिसिक इफ़ेक्ट देती है मतलब कि रिड्यूस करती है पेन एंड पेन सेंसेशन ये दोनों रिड्यूस करना उनका एक मेन काम है फिर एंटीपायरेटिक के तौर पे वो काम करती है मतलब कि रिड्यूस करवाएगी फीवर एंड लो करेंगी हमारा हाई बॉडी टेम्परेचर कई जो कंडीशन कि जिसको हम फीवर कहे थे कि हाई बॉडी टेम्परेचर तो हाई बॉडी टेम्परेचर को लोवर करने का, का काम करेगी ये मेडिकेशन एंड तीसरा एंटी इन्फ्लामेटरी तौर पे उनकी जो एक्शन है कैंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी देते हैं बिकॉज दे कैन रिड्यूस द स्वेलिंग एंड क्योरिट तो ये है बेसिक इंट्रोडक्शंस अबाउट द एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और उसमें भी ये नॉन स्टेरॉयडल है ये खास आपको ध्यान रखना है एंटी इन्फ्लैमेटरी तो है ही बट नॉन स्टेडल हम कहते हैं उनको एंड उसके साथ साथ उनकी एनालजेसिक एक्टिविटी भी है एंटी भी है एंड एंटी इन्फ्लामेटरी और ये कौन से एंजाइम्स को इनहिबिट करती है तो वो आपको याद रखना है तो साइक्लो ऑक्सीजनेस वन और टू और बॉथ चाहे साइक्लो के शॉर्ट में कॉक्स लिखा जाता है कि कॉक्स वन कॉक्स टू या फिर दोनों को इनहिबिट करके अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती है तो नसिड्स के अंदर हम देखें तो दो फॉर्म है कॉक्स के एक है कॉक्स वन एंड कॉक्स टू अब जो कॉक्स वन है वो समझिए आप कि ये एंजाइम्स क्या है सबसे पहले तो कि साइक्लो ऑक्सीजनिज वन एंड साइक्लो ऑक्सीजन तो ये दो एंजाइम्स के बारे में आपको पता चलेगा तो आप इजीली ये मेडिकेशंस की जो वर्किंग है उनका मेकेनिज़म है कि किस तरह से ये काम करती है वो आसानी से आपको समझ आ जाएगा बिकॉज ये मेडिकेशन ऐसी है कि ये कॉक्स वन को इनहिबिट करती है या फिर कॉक्स टू को इनहिबिट करती है या फिर दोनों को इनहिबिट करके अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती है तो ये कॉक्स है क्या सबसे पहले और उसका इन्वॉलमेंट क्या है तो कॉक्स वन देखो आप यहाँ पे शॉर्ट में तो प्रोड्यूस बाय नॉर्मल सेल्स एंड टी की जो हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल होते हैं टिश्यूज होते हैं वो उनको प्रोड्यूस करती है एंड करते हैं हमारे बॉडी का होमोस्टिस जो होता है वो बैलेंस करती है सेकंड जो है कॉक्स टू जो हम कहें तो वो इंड्यूस बाय इन्फ्लेम सेल एंड मेडिएट इन्फ्लेमेशन की जब किसी सेल को इंजरी होती है उसका इन्फ्लेमेशन होता है तो उस वक्त साइक्लो ऑक्सीजनेस जो है वो प्रोड्यूस होता है और वो क्या करता है मेन मेडिएटर है इन्फ्लेमेशन के लिए कि जब कॉक्स का फॉर्मेशन होगा या मतलब कि कॉक्स इन्वॉल्व होगा तो वो आके जाके इन्फ्लामेशन जो है वो प्रोड्यूस करवाएगा यहाँ पर देखिए कॉक्स टू के कारण प्रोस्टाग्लैंड जो है वाघे जाके मेडिएटर्स बनते हैं पेन के एंड इन्फ्लामेशन एंड फीवर होता है जबकि जब कॉक्स वन इन्वॉल्व होता है तो उसी जगह पे जीआई इमिकोजल प्रोटेक्शन एंड होमोस्टेसिस का जो प्रोसेस जो हम कहते हैं वो होता है ड्यू टू द कॉक्स वन और मेन जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है दैट इज़ और एसिड तो जब आप नॉन स्टर एंटी इन्फ्लैमेटरी ड्रग्स यूज़ करते हैं तो वो ये कॉक्स को इनहिबिट करेगी या फिर कॉक्स टू को या फिर दोनों को इनहिबिट करेगी जिसके कारण आगे की ना ना ये प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होगा और ना ही ये सब प्रोसेस होगी जिससे क्या होगा कि पेन के मेडिएटर्स बनते हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन तो पेन सेंसेशन जो है वो कम हो जाएगी और इन्फ्लामेशन भी हो जाएगा रिड्यूस तो इस तरह से ये मेडिकेशन अपना काम करती है तो यहाँ पे समझिए ये पाथवे से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले क्या होता है कि मेम्ब्रेन लिपिड जो है आपके कि जो फॉस्फोलिपिडिस जो होता है ए टू के कारण मेम्ब्रेन लिपिड कन्वर्ट होता है अराचेडोनिक एसिड के अंदर अब अराचिडोनिक एसिड को सम जो है उसको कॉक्स वन ईयर कॉक्स टू के एंजाइम्स के यूटिलाइजेशन के बाद वो फॉर्म करता है प्रोस्टाग्लैंडिन और ये प्रोस्टाग्लैंडिन आगे जाके रीजन बनते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एच डी ई एंड थ्रम्बोक्सन एक जो अलग अलग ऐसे मेडिएटर्स है कि जो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी ट्यूमर के ग्रोथ के लिए एनजियोजीनिस के लिए एंटी एपोप्टोसिस के लिए इन्फ्लामेशन के लिए इन्वेसन के लिए कि जो चेप लगता है एंड मेटास्टेसिस मतलब कि जो फैलावा होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जो इन्वेसिव सेल्स वगैरह होते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं ये सभी के अंदर ये सब इन्वॉल्व होते हैं तो नसेड्स क्या करते हैं ये ब्लॉक कर देते हैं ये एंजाइम्स को कि साइक्लो जो हम कहते हैं कॉक्स एंजाइम को ये ब्लॉक कर देगी जिसके कारण आगे जाके ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो फॉर्म नहीं होगा प्रोसेस क्या होती है वो समझिए कि नसेड्स क्या करती है ये वाला जो है नॉन स्टेडर्ड इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कॉक्स जो है उसको इनहिबिट करती है या फिर ऑक्सीजनेस टू को ये समझो कि इनहिबिट हो गया ब्लॉक हो गया तो उसके कारण ना ही नीचे के सब स्टेप जो है वो बंद हो जाएंगे होना कि ना ही प्रोस्टाग्लैंड जी टू बनेगा ना ही ये सब फॉर्म होंगे और कंप्लीटली ये जो प्रोसेस हो जाएगी की इन्फ्लामेशन भी क्योर हो जाएगा एंड जो हमें चाहिए कि पेन हमें कम करवाना है इन्फ्लामेशन कम करवाना है फीवर है तो फीवर रिड्यूस करवाना है तो ये पॉसिबल होगा तो बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंड नसेड सेल्व टू रिलीव द डिसकंफर्ट ऑफ फीवर रिड्यूस द इन्फ्लामेशन एंड एसोसिएटेड पेन तो ये आपको अच्छे से मेकेनिज्म उनका याद रखना है कि नसेड्स जो है वो रिड्यूस करती है प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंड कैसे रिड्यूस करती है तो बाय ब्लॉक द एंजाइम कॉल साइक्लॉक्सनेसकॉक्स यूज बाय द बॉडी टू मेक प्रोस्टाग्लैंडिन कि ये कॉक्स को हमारी बॉडी यूज़ करती है ये प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन के लिए और समझो कि ये कॉक्स को ही आप ब्लॉक कर देते हैं कि नसेड्स जो है वो ब्लॉक करेगी कॉक्स को जिसके कारण आगे जाके ना फॉर्मेशन होगा प्रोस्टाग्लैंडिन का और ना ही ये नीचे के प्रोसेस होगी और जैसे जैसे ये प्रोस्टाग्लैंड का प्रोडक्शन रिड्यूस होता जाएगा नसेड्स क्या करेंगी रिड्यूस करेगी फीवर रिड्यूस करेगी इन्फ्लामेशन एंड उसके साथ एसोसिएटेड पेन को भी कर देगी रिड्यूस और जो इन्वेशन होता है जो चेप लगता है फैलावा होता है उसका वो सब हो जाएंगे रिड्यूस और ये मेडिकेशन के प्रॉपर ट्रीटमेंट के कारण उनके साथ एसोसिएटेड ये जो मेडिकल कंडीशन है वो भी धीरे धीरे क्योर हो जाती है तो फ्लोस्टाग्लैंड के फंक्शन क्या होते हैं तो डायरेक्टली कोस द पेन कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन जब बनता है तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है पेन मोडिएटर का, का काम करता है जिसके कारण जब भी हमें कोई पेन सेंसेशन होते हैं कोई जगह पे कोई दर्द होता है कि लाइक हेडेक होता है तो हमें पता चलता है बैक पेन होता है तो हमें पता चलता है किसी भी टाइप की जो पेन है वो हमारी बॉडी को महसूस होते हैं ड्यू टू दिस प्रोस्टाग्लैंड और ये प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन के अंदर ये कॉक्स वन और कॉक्स टू जो एंजाइम्स उसको हेल्प करते हैं उसी तरह से ये क्या करता है एनहांस करता है पेन इंक्लूडिंग द इफ़ेक्ट ऑफ ब्रेडिकाइनिन्स इंड्यूस करता है फीवर को मेडिएटर्स ऑफ द पेन इन्फ्लामेशन एंड फीवर तो ये सभी चीज़ों को ये क्या करेगा इन्वॉल्व करेगा और जिसके कारण जो है पर्सन को फीवर होता है समझो पेन होता है एंड इन्फ्लामेशन वग़ैरह है तो उसको उसके बारे में पता भी चलता है और इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट होता है तो जब आप नॉन स्टेडर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेते हैं तो कॉक्स वन या कॉक्स टू दोनों इनहिबिट होते हैं या फिर कोई एक तो जिससे आगे प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन जो है वो अटक जाता है स्टॉप हो जाता है जिसके कारण ये मेडिसिन अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब नेक्स्ट दैट इज उनका क्लासिफिकेशन कि ये मेडिकेशन के अंदर सबसे पहले जो पॉपुलर क्लास है वो है नॉन स्टिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर जो हम कहते हैं उनके एग्जाम्पल हम देखें तो एस्परिन है आइबुप्रोफेन है फ्लोरबी प्रोफेन है नेप्रोक्सेन है मैफेनेमिक एसिड पायरॉक्सिकटोरोलैक इंडोमिथासिन एन फीनाइल ब्यूटाजोन तो यहाँ पे सभी के आप मार्केटेड फार्मुलेशंस भी देख सकते हैं कि ये कीटोरोलैग का जो आप फार्मुलेशन देख सकते हैं उसके बाद आइबोब्रोफेन का भी आप फॉर्मूलेशन देख सकते हैं कि जो उसके टैबलेट से 400 हंड्रेड स्ट्रेंथ के अंदर एस्प्रिन के 75 फाइव के टैबलेट फिर आईबोब्रोफेन की तरह ही जो फ्लोरबीप्रोफेन जो होता है वो में आइड्रॉप्स के तौर पे यूज़ होता है तो ये हुए नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, ये खास आई ये नॉन स्टिलेक्टिव उनको कहे जाते हैं सेकेंड है प्री फेरेंशियल टू इनहिबिटर्स जिनके एग्जांपल है न्यम्सुलाइड है मेलॉक्सिकेन है इटोडोलैक है डाइक्लोफेनेक है एंड एसिक्लोफेनिक तो मेलॉक्जिक सोडियम का आप इंजेक्शन देख सकते हैं कि जिसकी स्ट्रेंथ है फाइव एम पर एम एंड फॉर यूज इन डॉग एंड कैट्स मतलब कि ये एनिमल्स के अंदर काफ़ी प्रिफर किया जाता है उसके बाद आपको निम्सू का तो पता ही है बट नीम्सू जो है वो पीडियाट्रिक यूज़ के लिए जो है वो बैन की गई है वो आपको ख़ास पता होना चाहिए कि जो पीडियाट्रिक्स पेशेंट है छोटे बच्चों को जो हम कि बिलो द ट्वेल्व इयर्स एज के जितने भी जो चिल्ड्रंस होते हैं ये सभी के अंदर निम्सू जो है वो बैन किया गया है उसके बाद एसिक्लोफेनिक के सस्टेन रिलीज टैबलेट एंड डाइक्लोफेनिक वो सब तो आपको पता ही है कि जो फेमस एनाल्जेसिक मेडिकेशंस है सिलेक्टिव कॉक्स टू हम देखिए तो सैरे कॉक्सिब है उसके अंदर इटोरिकॉक्सिब है एंड पेरेकॉक्सीब तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी के कि सभी के अंदर आप देखो तो कॉक्स आपको देखने को मिलेगा एंड ये है कॉक्स टू इनहिबिटर कॉक्स टू इनहिबिटर सेलेक का ये फार्मुलेशन देख सकते हैं कि जो 400 हंड्रेड एम जी की है इटोरिक के टैबलेट्स की जो उसकी 90 एम जी की स्ट्रेंथ में है फिर एनालजेसिक तो है ही बट पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस की एनालजेसिक और एंटीपायरेटिक इफेक्ट तो बहुत अच्छी है उनकी बट एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन थोड़ी पुअर है वो है पैरासीटामॉल कि जो फेमस मेडिसिन से जो सालों से यूज़ होता है फीवर के ट्रीटमेंट के लिए फिर मेटामिज़ोल है एंड तीसरा नेफोपेन बट ये तीनों के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर और वाइडली यूज होने वाला पैरासीटामॉल है तो व्हाट आर द यूजेस एंड इंडिकेशंस ऑफ नसेड्स तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन के अंदर कि जब किसी पेशेंट की सर्जरी वगैरह होती है ऑपरेशन वगैरह होते हैं और उसके बाद समझो कि पेन होते हैं कि ये कंडीशन कि यहाँ पे देख क्योंकि जो ऑपरेशन के बाद पेशेंट को जब समझो कि किसी भी टाइप का पेन हो रहा है तो ये पेन को रिड्यूस करवाने के लिए पोस्ट ऑपरेटिव पेन की ऑपरेशन के बाद की कंडीशन तो उस वक्त ये मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं फिर जब मैंस्टोरियल पेन होता है मैंस्टोरियल पेन होता है तो उस वक्त भी ये काफ़ी हेल्पफुल मेडिसिन है फिर मायाग्लिया एंड न्यूरोग्लिया की कंडीशन की जिसके अंदर ये ट्राइजेमिनल नर्व्स रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस होते हैं तो उनको क्योर करने के लिए भी यूज़ होते हैं कि लाइक मायाग्लिया न्यूरोग्लिया के कारण जो पेंस होते हैं और उसमें भी ये ट्राइजेमिनल जो क्रेनियल नर्व है उसके रिलेटेड जो पेन्स होते हैं इन्फ्लामेशन होता है उसको क्योर करने के लिए फिर हेड एक और बैक एक के लिए तो काफ़ी पॉपुलर है ही है मेडिकेशन की कि जब किसी को बैक पेन होता है हेड एक होता है तो उसमें भी हेल्पफुल है पायरेक्सिया की जिसको हम फीवर कहते हैं ऑस्टिर्थराइटिस रोमिटोड आर्थराइटिस की जो स्पेशली डिसीज़ रिलेटेड टू द जॉइंट पेन जब जॉइंट पेन होते हैं तो उसमें भी इन्फ्लामेशन भी एसोसिएट होता है पेन भी होता है तो उस वक्त नर्स जो है वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं उसके ट्रीटमेंट के अंदर और एंटी प्लेटलेट तो ये जो प्लेटलेट्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर तो ये एंटी प्लेटलेट का काम करते हैं ये मेडिकेशंस तो उनके इंडिकेशंस क्या है ये खास आपको जानना जरूरी है कि इंडिकेशंस मतलब कि

वार्निंग हम देखें तो पेशेंट वू हैव एक्सपीरियंस इन एलर्जिक रिएक्शन अगर किसी को नसेर्स देने के बाद एलर्जिक रिएक्शंस हुए जैसे कि एरिया हुआ है अस्थमा हुआ है आफ्टर टेकिंग द नसेर्स तो उनको ये मेडिकेशन प्रिस्क्राइब ना करें तीसरी चीज़ है कि वू हैव अंडर गो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी की जो बाईपास सर्जरी जो हम कहते हैं उनको भी ये नहीं देनी चाहिए चौथा है कि पेशेंट विथ अल्सर स्टमक एंड स्टमक अल्सर एंड ब्लीडिंग कि जो स्टमक अल्सर्स के कारण स्टमक में ब्लीडिंग हो रही है पैप्टिक अल्सर के पेशेंट है उनको भी ये नहीं देने चाहिए बिकॉज ये देने से कंडीशन और ज़्यादा खराब हो सकती है पांचवा है कि जिनको लीवर टॉक्सिसिटी है कि जिसको हिपेटिक टॉक्सिसिटी हम कहते हैं हिपेटिक फेलियर ऑन लॉन्ग टर्म यूज़ तो ऐसे लोगों को नहीं प्रिस्क्राइब करनी चाहिए बिकॉज ऑलरेडी उनका लीवर टॉक्सिसिटी है हिपेटिक फेलियर है और आप नसेड्स दोगे तो उससे और टॉक्सीसिटी बढ़ सकती है फेलियर हो सकता है लीवर का फिर गैस्ट्रिक हीरोसन जिनका होता है फिर ऑकल्ट ब्लड लॉस है वैसे पेशेंट को भी ना दें एंड नंबर सेवन सम नेसेर्स ड्यूरिंग द pregnancy एंड लैक्टेसेंस कुछ ऐसे भी मेडिकेशन से कि जो आगे हम इंडिविजुअल सभी मेडिसिन पे लेक्चर बनाएंगे कैसपरिन के बारे में भी हम डिटेल में लेक्चर आपके लिए डिस्कस करेंगे पैरासिटामोल और डाइक्लोफेनिक पे तो ऑलरेडी बने ही है बट दूसरे भी जितने नेसेड्स से उनके भी ऊपर हम इंडिविजुअल लेक्चर बनाएंगे तब ये डिस्कस जरूर से करेंगे बट अभी ये जनरल लेक्चर के अंदर सभी पॉइंट्स को समझना ज़रूरी है फिर उनके साइड इफ़ेक्ट्स हम देखें तो साइड इफ़ेक्ट्स क्या है नोसेड्स के तो जितने भी नोसेड्स हैं तो उनके एक कॉमन साइड इफेक्ट्स हम जाने तो उनके कारण इंडाइजेशन हो सकता है कि स्टमक इंडाइजेशन का एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट बनता है इनके साइड इफेक्ट के तौर पे या फिर उनके ओवरडोज साइड इफेक्ट तभी प्रोड्यूस होती है कि जब ओवरडोज होता है उनका मिस होता है एक्सेसिव यूज़ हो जाता है तब भी ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं सेकंड कि ये जो आप देख सकते हैं स्टमक के लाइनिंग्स के अंदर फॉर्म हुए ये स्टमक अल्सर्स तो ये स्टमक अल्सर्स उनके एक मेजर साइड इफ़ेक्ट है कि जब ओवरडोज होता है एक्सेसिव यूज़ किए जाते हैं फिर हेड कई बार कुछ जो ये मेडिकेशन से वो हेडेक भी प्रोड्यूस करती है कुछ केसेस के अंदर ड्रॉसीनेस फील करता है पर्सन डिजीनेस जैसा होता है फिर ओ, एलर्जिक रिएक्शंस देखने को आपको मिलेंगे कि ये आप देख सकते हैं कि एलर्जिक रिएक्शंस की जो स्किन ऊपर ये रेसिस जैसा फॉर्म होना रेडनेस जैसा देखने को मिलना रिएक्शंस जो होती है एलर्जिक रिएक्शन की जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस भी हम कई बार कहते हैं एलर्जी हो जाना फिर कई बार फीलिंग सिक एंड लास्ट में हम देखें तो द कंडीशन ऑफ डायरिया तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं साइड इफेक्ट्स होते हैं ड्यू टू द ओवर और मिस ऑफ ए नसेड्स तो ये था स्पेशल वीडियो लेक्चर ऑन नसेड्स थैंक यू फॉर वाचिंग शेयर करिए वीडियो लेक्चर को ज़रूर से लाइक करिए वैल्यूएबल कमेंट्स करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल यूज़ कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स को नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो थ्री सिक्स व्हाट्सअप हेल्पलाइन नंबर है ज्वाइन कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे भी कि एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर पर से एंड एप्पल आईफोन ऐप ऑन द ऐप स्टोर लिंक आपको मिल गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ने फार्मर ऑक्स गुड लक एंड ऑल द बेस्ट